बॉक्सिंग का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कुल्फी बेचने पर मजबूर, कई पदक लेने के लिए लिया था पैसा उधार। चोट लगने के बाद छोड़नी पड़ी बॉक्सिंग, आज एक एक पैसे के लिए है मोहताज। सरकार पर खेल विभाग ने नहीं ली सुध, लोन चुकाने के लिए लगा रहा है फेरी। सरकार से मांग कर रहा है सहायता की कि दे नौकरी। बॉक्सिंग के रिंग में बड़े बड़ों को छक्के छुड़वाने वाला एक खिलाड़ी दिनेश इन दिनों कुल्फी की रेड़ी पर फेरी लगाने पर मजबूर है। उसे यह इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि चोट लगने के कारण उसके पिता ने इलाज के लिए किसी से उधार पैसे लिए थे। पैसे उधार लेने के कारण वह उन पैसों को इसलिए नहीं चुका पाया क्योंकि पारिवारिक स्थिति कमज़ोर थी। अब वह चोट लगने के कारण खेल भी नहीं खेल पा रहा। उनकी मजबूरी अब इतनी बढ़ गई है कि वह प्रतिदिन रेलवे फाटक के पास रेहड़ी पर फेरी लगाकर कुल्फी बेच रहा है, जबकि उसने कई अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। भिवानी हरियाणा से अमन शर्मा, आजाद टीवी न्यूज। कहाँ तक खेले हैं जो आप कुल्फी बेच रहे हैं, क्या कारण है, कहाँ तक आप खेले हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम दिनेश है, मैं बॉक्सिंग प्लेयर हूँ और मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट अच्छी की थी, अलग से शुरुआत की थी। मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है और काफ़ी मेडल मैंने प्राप्त किए हैं, लेकिन मेरी आज आर्थिक हालत इतनी ख़राब हो गई है कि मुझे पापा के साथ रेडी पे फूल फैक्ट्री नहीं पड़ रही है। पापा ने मुझे पार्ट भेजने के लिए या फिर मेरी बैग हथियार उठाने के लिए काफ़ी कर्जा लिया है, जो जिसके कारण घर पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हो गया है। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ हेल्प करूँ, इसलिए मुझे पापा के साथ फूल फैक्ट्री बेचनी पड़ रही है। मुझे पिछली सरकार या मुझे जो अभी बीजेपी सरकार है, इसमें मुझे कोई भी सहायता की तरह से मुझे नहीं मिली है। आगे भी मैं चाहता हूँ कि आगे मेरी जो बात है आगे जाए और मुझे किसी भी तरह से मुझे सहायता मिले कि मैं आगे गेम स्टार्ट कर सकूँ या मुझे कोई जॉब वगैरह मिल सके। सरकार की पॉलिसी का कोई नहीं लाभ, क्योंकि सरकार की नीतियां हैं, उसको कोई लाभ नहीं मिला? नहीं सर, मुझे अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। मैं भी काफ़ी वेट कर रहा हूँ इस बात के, मैं सुन रहा हूँ कि जो मेडल लेके आएगा उसको नौकरी मिलेगी, लेकिन मुझे अभी कुछ भी ऐसा नहीं। कितने मेडल अब तक जीत चुके हैं आप? मैंने मेरा बॉक्सिंग कैरियर में 23 मेडल प्राप्त किए हैं, जिनमें 17 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। कितने मेडल हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने 2 बार प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है। एक बार उज्बेकिस्तान ट्रेनिंग कैंप के लिए मैं गया हूँ और दूसरा फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैंने भाग लिया था। मैं उसमें पार्टिसिपेट रहा, मैं काफ़ी कम अंतर से वहाँ पर पराजित हुआ। उसके बाद मैं उज्बेकिस्तान में गया हूँ कैंप के लिए। मेरा बॉक्सिंग करियर काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन मुझे किसी भी सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही है, जिस कारण मुझे पापा के साथ मुझे उनकी हेल्प करनी पड़ रही है। और हाँ जी, और मेरे पापा ने जो मुझे देश विदेश में भेजने के लिए जो कर्जा उठाया है, वो कर्जा मैं कुल्फी बेच करके उसको उतार रहा हूँ। सरकार से कोई उम्मीद नहीं लग रही आप सरकार से? सर अभी तक मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही कि मुझे कोई सुनवाई करें, मुझे भी कोई जॉब मिले। अभी तक मुझे कोई भी ऐसी सरकार नहीं मिली जो मुझे जॉब लगा सके। क्या अपील करना चाहूँगी सरकार से? मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि मुझे बहुत दुख होता है इन बातों का कि मैं एक अच्छा प्लेयर होने के बावजूद यहाँ पर बैठा हूँ, पापा इधर कुल्फी लगा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जल्दी से जल्द सुनवाई की जाए और मुझे कोई अच्छी जॉब दी जाए, ताकि मैं अपना घर का गुजारा भी कर सकूँ, जो मेरे पापा ने कर्जा चढ़ गया है उसको उतार सकूँ और दोबारा से खेल में वापसी कर सकूँ। अब खेल छोड़ दिया आपने? मैंने खेल छोड़ा नहीं है, मैं कंटिन्यू स्टार्ट है, लेकिन मैं अब बच्चों को तैयार कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी बच्चों को तैयार भी किया है, मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के बच्चों को तैयार किया है। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि जो मेरा छोटा भाई दिनेश है, इसने नेशनल और इंटरनेशनल में काफ़ी मेडल दिए हैं सरकार को और इंडिया को, उसके बावजूद इन्होंने मेरे पिताजी ने काफ़ी कर्ज लिया। इनको जब इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड जाने के लिए मेरे पिताजी ने काफ़ी लाखों रुपए लिए थे। उस वक्त ये लगा लो कि अगर किसी को 50,000 रुपये भी लेने पड़ जाए तो कोई 10% में देता, कोई 15% में, कोई दिया नहीं करता। हमने हाथ पैर जोड़ के मुश्किल से वो कर्जा लिया था और आज हम इस स्थिति में है कि हमारा वहाँ नौकरी लग रहा तो हम बहुत ही परेशान हैं। यही जी कहता है कि कहीं गोली खा लें हम, नहीं सरकार की ओर से हमें कोई मदद नहीं दी जा रही सर, नहीं कोई मदद दी जा रही और ना ही कोई हमें आर्थिक सहायता दी जा रही और ना ही हमें कोई पूछने आता कि भाई तू यह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। कोई किसी का, कोई सरकार का कोई मतलब नहीं है सर हमारे साथ। देखो बहुत दुख होता है कि देखो अगर किसी और से होता ना तो मेरे भाई, और कोई होता ना तो मेरे भाई को बहुत ऊपर तक पहुंचा देते और उनको नया सरकार
हर संभव मदद देती हूँ, नौकरी भी देती, लेकिन हम एक गरीब है इसलिए हमारे सरकार ने मेरे भैया को कोई ना नौकरी दी और ना ही कोई आर्थिक सहायता दी अभी तक। नौकरी के लिए अप्लाई करी थी कोई, किस प्रकार की कोई? बहुत कुछ किया सर हमने, अप्लाई भी किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। अब कोई पैसे मांगता, कोई कुछ मांगता, हम कहाँ से दे? हमारे पास कुछ है ही नहीं, मेडल दिखाते हैं, मेडल का कोई सुनता ही नहीं। अब ये सोचने की बात है कि 4 बार इंटरनेशनल, 1 बार उज्बेकिस्तान कैंप में गए, वापसी इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में मेडल लिए, वहाँ से वापसी घर आए, घर आने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, इसको निकाल दिया, दूसरे सिलेक्शन कर दिया गया। फिर हमें बहुत दुख होता है, हमने बड़ी मुश्किलों से इसको पढ़ाया था, लिखाया था, एक बॉक्सर बनाया था ताकि मेरा भाई एक अच्छा बॉक्सर बने। हम भी ये देखो सबका सपना होता है कि हर एक का भाई माँ बाप ये चाहते हैं कि उसका भाई अच्छी स्पर्धा में जाए और अच्छा टूर्नामेंट लेके इंडिया का नाम रोशन करे। कितना कर्ज उठाना पड़ा इस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाने के लिए? कम से कम ये लगा लो अगर स्टार्टिंग से लेकर अब तक लगाए तो हम 10 लाख रुपये कर्जा ले चुके हैं सर, और वो अब हम उसका ब्याज दें या भाई वो 10 लाख रुपये उतारे या भाई को हम कहाँ तक उठाए बताओ। हम मजबूर है अब इसको, अब ये कुल्फी लगाए और क्या करे सर, ये आखिरी में हार गुजर के पापा का हाथ बटा रहा है, पापा के साथ कुल्फी दे रहा है। मैं भी कभी कभी आता हूँ, 150-200-400 मजदूरी करता हूँ, दिहाड़ी करता हूँ, अब इनको भी देता हूँ, वो कर्जा उतारे या वो ब्याज उतारे सर, सबसे मोटी बात तो ये है। अब मैं सरकार से यही मेरी यही गुजारिश है कि मेरे भाई को एक अच्छी नौकरी दी जाए और अच्छा प्रोत्साहन दिया जाए ताकि मेरा भाई एक बच्चों को भी तैयार कर सके और अपना भविष्य सुधार सके और आगे तक जा सके मेरा भाई। कई खिलाड़ी दिनेश बॉक्सर, उसका जिस प्रकार से कहना है कि उसने सरकार के देश के लिए खूब खेला, 17 तक गोल्ड मेडल तक लिए, अब सरकार की उदासीनता के कारण वो कुल्फी बेच रहा है, सर क्या मानते हैं आप, कितनी सच्चाई है उसमें और सरकार की उदासीनता क्यों हुई आखिर? देखिए वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था और अच्छा देश के लिए अच्छे और पदक भी प्राप्त कर सकता था, लेकिन उस जूनियर वर्ग में उसने काफ़ी 4-5 बार नेशनल के में गोल्ड मेडल जीते और वो एक बार तो बेस्ट बॉक्सर भी रहा है और उसका गेम भी बड़ा अच्छा शार्प था, लेकिन वो सीनियर जब वो सीनियर हुआ तो तब खेलता था, लेकिन क्या है एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट की वजह से उसका ना तो प्रॉपर इलाज हो पाया ना उसकी प्रॉपर सहायता, गरीबी की वजह से उसको प्रॉपर सहायता नहीं मिल पाई जिससे वो पिछड़ गया और उसके बाद उसको गेम चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया। सर जिस प्रकार से उसका कहना है कि इलाज के लिए पैसे उसने उधार लिए, जब वो खेलने जाता था तब भी उसे उधार पैसा लेना पड़ता था और अब वो कर चुका रहा है अपना। देखिए ऐसा है, वो लड़का काफ़ी पोटेंशियल था, उसमें काफ़ी टैलेंट भी अच्छा था, इसीलिए वो 4-5 बार नेशनल चैंपियन भी बना, हरियाणा प्रदेश को उन्होंने गोल्ड मेडल दिया, लेकिन वो जूनियर वर्ग में रहा, जब वो सीनियर हुआ तो उसका एक प्रकृति की घटना समझिए कि उसका एक्सीडेंट हो गया जिससे काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गया और जो उसका जो घर का बैकग्राउंड था वो पुअर था जिससे वो अच्छा इलाज भी नहीं करा पाया और उसको कर्जा लेकर अपना इलाज कराना पड़ा, उसके परिवार वाले इस योजना में उसके सक्षम नहीं थे ताकि उसको अच्छे किसी अस्पताल में दिखाकर उसका इलाज करवा दे और वो दोबारा से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर पाए और उसको अच्छी डाइट मिल पाए। सर इस प्रकार से सरकार की खेल नीति है, क्या सरकार की खेल नीति में ऐसा नहीं है कि कोई अगर उनका खिलाड़ी अच्छा खेलता है वो अपने स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा खेलने के लिए, क्योंकि काफ़ी गरीब लोग भी काफ़ी गरीब खिलाड़ी। देखिए सरकार की नीति है लेकिन क्या है कई बार उसमें मदद हो जाती, कई बार सरकार तक ये बात पहुँच नहीं पाती, जैसे उसको चोट लगी या एक्सीडेंट हुआ तो उसको का किसी ने उसको प्रपोजल सरकार को भेजा नहीं, अदरवाइज सरकार भी मदद कर देती। और मुझे अभी भी मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे खिलाड़ी को जो अपना भविष्य बचाने के लिए अपनी मजदूरी या कुल्फी भेज रहा है तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे खिलाड़ी की मदद करे और कहीं ना कहीं उसको उसकी योग्यता के हिसाब से रोज़गार जरूर अवश्य प्रदान करे। फोटो साफ नहीं आया, क्लियर नहीं आया ना, सर आ जाते अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के बाद भी क्या कारण है? कारण ये है जी, इसको तो नौकरी नहीं मिली और बड़ा अच्छा प्लेयर था ये,
हैं जी, और मैं अपनी मजदूरी करता हूँ, कुल्फी की रेड़ी लगाता हूँ। जब ये विदेश में खेलने के लिए गया, लाखों रुपया मैंने कर्जा उठाया, पहले सिलारू गया वहाँ पे कर्जा उठाया, फिर दूसरे देश में गया वहाँ पे कर्जा उठाया, आज तक वो मेरी कमर टूट गई, मेरी उम्र होगी 62 साल की, अब मैं कमाने के लायक भी नहीं रहा। इसकी माता जी है वो मनोरोगी है, उसका भी इलाज करवाता हूँ मैं, और इसको जो है ना मैंने कह दिया भाई ठीक है भाई तो मेरी हेल्प कर भाई, कुल्फी बिकवा भाई, तो शाम को 2 पैसे कमाओ, ये 150 रुपये कमा लेते हैं तो अपना घर चल जाता है। अब आगे सर्दी आ रही, सर्दी में कोई हमारे से काम बनता नहीं, यही प्रार्थना है जी, अगर इसको कोई नौकरी दे दे, ये पैरों पर खड़ा हो जाए, हमारा आखिरी सहारा यही है। अब सरकार से ये प्रार्थना है, देखो जी बच्चों को जो है ना सर्विस दें तो आगे भी जो ये बढ़ सके है जी, और हमारा कर्जा भी उतर जाए। खेल में कोई कमी नहीं है, अब भी बेचारा छोटे छोटे बच्चों को फ्री में देता है ट्रेनिंग, लो भी तुम तो बढ़ो, मेरे साथ तो ये भेदभाव कर रही है, मेरे को नौकरी नहीं दे रही, इसको नौकरी दे दे, मेरी यही प्रार्थना है सरकार से। मैं आज WBC यूथ वर्ल्ड चैंपियन इंडिया का पहला, तो आज मैं दिनेश भाई साहब की वजह से हूँ। दिनेश भाई साहब ने मुझे ट्रेनिंग दी और अच्छा सपोर्ट किया, अच्छे बताया मुझे एक एक मुक्का कैसे क्या मारना क्या नहीं। आज इंडिया में WBC पहला यूथ वर्ल्ड चैंपियन हूँ, आज मैं दिनेश भाई साहब की बदौलत हूँ। इनसे मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि दिनेश भाई साहब को कोई जॉब के लिए, सरकार से यही कहना चाहता हूँ, तो सरकार से जॉब दी जाए जो कि अपना कर्जा उतार सके।